व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के व्लॉग में। और चीकू जो है ना, चीकू सुबह सुबह उठती है और आजकल इसको दो चोटी बनाने का शौक चढ़ा है। मम्मा को बोलेगी, यहाँ पे हाथ लगा लगा के बताएगी। एंड एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि निभा मैम हमेशा किचन में क्यों दिखती है, तो निभा मैम हमेशा किचन में क्यों दिखती है, आज हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारी हम तो भाई बहुत बहुत कुछ खाते पीते ना, जैसे है यार मैं कितना शरीफ और कितना सिंपल बालक हूँ, आपको लोगों को पता ही है। बिल्कुल भाई, आज क्या बन रहा है वैसे निभा नाश्ते में? पोहा, हेल्दी संडे हेल्दी नाश्ता। चीकू पता चुप क्यों बैठे, चीकू नीचे से देख रही कैमरा को, क्या हो रहा है ये? ओके तो आज का प्लान ये है गाइस के जल्दी से भाई नाश्ता करके, संडे है ऑल दो संडे है, लेकिन एक क्लास जो है वो रख दी है जीएसटी की, तो जीएसटी की क्लास लेनी है। और उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे, आज मुझे स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस वगैरह शूट करने हैं। और आप लोगों ने अभी तक भाई इन्वेस्टिंग शुरू करी है? चीकू अच्छा चीकू एक मिनट, एक बात समझ नहीं जा। आप लोगों ने इन्वेस्टिंग शुरू करी है नहीं करी है तो प्लीज जल्दी से करो भाई, जल्दी से करो। और कैसे करनी है इन्वेस्टिंग शुरू, हमारी फिन 91 की टीम जो है हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी इशू है तो आप फिन 91 की टीम से बातचीत कर सकते हैं एंड अपना डीमैट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। मैंने अपना भी डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन कर रखा है और निभा का भी डीमैट अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स के अंदर है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब मेजरली देखो, मैं तो डायरेक्ट इक्विटी में कुछ कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदता हूँ और निभा के डीमैट अकाउंट में जो है हम लोग जनरली स्पीकिंग इंडेक्स फंड में ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक डीमैट अकाउंट इंडेक्स फंड से हम लोग जो है वो बनाते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अगर आपका भी कोई सवाल है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और व्लॉग का बेस्ट मोमेंट जो है वो भी मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से व्लॉग का, अभी रुक जाओ, अभी आपकी भी रिडल का आंसर आएगा, डोंट वरी एट ऑल। व्लॉग का बेस्ट मोमेंट जो है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लगता है आपको। एंड अभी तक अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अब मिष्टी की रिडल, मिष्टी काम, मिष्टी ने एक रिडल पूछी थी और आपने पता क्या जवाब दिया उसका, सीए कोर्स। मिष्टी रिडल क्या थी, व्हाट क्या था? Easy to get in but hard to get out. Easy to get in, easy to get in but hard to get out. और 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 हाँ हाँ सही जवाब था, वो करेक्ट था, बाकी सारे रॉन्ग। हाँ मैं बताता हूँ, सही जवाब था प्रभाष मिश्रा का और उन्होंने बोला था ट्रबल। सबसे पहले प्रभाष मिश्रा ने बोला था ट्रबल और लोगों ने भी ट्रबल बोला होगा। हाँ बहुत सारे बच्चों ने बोला सीए कोर्स इज वेरी इजी टू गेट इन बट हार्ड टू गेट आउट। अब नेक्स्ट रिडल नेक्स्ट सैटरडे को पूछेगी मिष्टी, मिष्टी ने तैयार कर ली नेक्स्ट रिडल आप लोगों से पूछने के लिए। अब चलते हैं और बढ़िया सा टेस्टी सा पोहा खाते हैं और उसके बाद स्टूडियो में जाते हैं और रूम टूर होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, जल्दी होगा, डोंट वरी। हाँ कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे यार, अभी ना थोड़ा सा और सेट हो जाए मामला। वैसे आपको ये दिस इज द हॉल, तो हॉल टूर तो आपका हो ही रहा है बार बार, रूम टूर भी जल्दी ही करवाएंगे। डोंट बाय 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 निभा, बाय मिष्टी, एंजॉय करना बहुत, ठीक है, जिंदगी मिली है एक बार तो एंजॉय पूरा पूरा करें। हाँ चीकू, हाँ बाय चीकू की छोटी सी दाढ़ी दिख रही है आपको, छोटी सी दाढ़ी वो इसने लगा ली है चॉकलेट। चीकू मंकी से बहुत डरती है, मंकी का नाम लो सारे काम करने लग जाते हैं। ओके गाइस बाय, टेक केयर। मस्त हवा चल रही है, साइकिल के ऊपर, पता नहीं आप लोगों को आवाज आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी, हवा बहुत ही अमेजिंग चल रही है। एंड जब से साइकिल लिए, एक्चुअली जब से साल शुरू हुआ है 1 तारीख से, मैंने अभी तक अपनी गाड़ी जो है वो एक बार भी नहीं चलाई। चीकू को जब इंजेक्शन लगाने ले गए थे तब भी जिंदा की गाड़ी थी, मैंने अपनी गाड़ी जो है वो एक बारी भी नहीं चलाई है। एंड आई एम एंजॉइंग माई साइकिल राइड, रिड्यूसिंग माई कार्बन फुटप्रिंट्स टेक्निकली स्पीकिंग, बट एनीवेज कम्प्लीटली एंजॉइंग इट। साइकिल चलाने के और बहुत सारे फायदे, ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। सो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस जाने से पहले मतलब ऑफिस में पहुँच जाता हूँ, मात्र आई थिंक 2 मिनट के अंदर पहुँच जाता हूँ साइकिल से, बट ऑफिस जाने से पहले रुकना ज़रा, ऑफिस जाने से पहले मैं एक दो राउंड जो है नीचे ऐसे ही मार लेता हूँ। सो ऑन एन एवरेज दिन में 1-2 किलोमीटर साइकिल चल जाती है। मेरे डॉक्टर ने बताया कितना सजेस्ट किया था, मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 16 किलोमीटर दिन की साइकिल, भाई 16 किलोमीटर। मैं कितना चला रहा हूँ, 1-2 किलोमीटर,
इट्स जस्ट लाइक मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ और तुम होमवर्क ठीक है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। जीएसटी की लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूँ भाई, फर्स्ट क्लास है, और चाहे फेस टू फेस हो चाहे लाइव हो, फर्स्ट क्लास थोड़ा सा डराती है, बट धीरे धीरे उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो फर्स्ट क्लास थोड़ी सी ऐसी जाती है, यार क्या होगा यार, कैसे पढ़ाएंगे, बट इट्स गुड। लाइव पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इवन सच बताऊँ तो फेस टू फेस का लेवल धीरे 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 टच हो रहा है और शायद वहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ इसमें कम्प्लीटली रियल टाइम इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, बच्चे चैट भी कर सकते हैं, अगर मैं अलाउ करूँ तो वो बोल भी सकते हैं, वो अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, प्रॉपर एक वीडियो कॉल की तरह जो है बातचीत हो सकती है। दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स अपॉन यू कि आप कैसे जो है उसको यूज करते हैं, राइट। चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपने इंजॉय किया होगा। और यार बार बार कहना पड़ता है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऐसे ही साथ में जुड़े रहें इस व्लॉगिंग चैनल के साथ, मुझे मोटिवेशन देते रहें कि भाई मैं 365 दिन जो है व्लॉग कर जाऊं। अभी मेरे ख्याल से 10वां दिन है जो हम एक रेगुलर व्लॉग जो है वो डाल रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी ऐसी व्लॉगिंग हम लोग करते रहें और मैं इस व्लॉगिंग चैनल के थ्रू भी जो भी मेरे पास ज्ञानवर्धक बातें हैं वो आप तक पहुँचाता रहूँगा, करता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। Right guys, so work hard but don't forget to enjoy your life because every moment is a gift, live it or leave it. All the best, bye bye.